हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होप ऑल इज वेल। वेलकम टू द 76th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट मन की मेधा। फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस यूं ही जीवन बिता देते हैं, तो कुछ ऐसे भी हम में से ही होते हैं जो जीवन के बारे में गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम थॉट्स लेते हैं कि आखिर क्यों हम अपने विचारों भावों को हमेशा पॉजिटिव ही रखें। आखिर क्यों हमें हमेशा मॉरल्स का पाठ पढ़ाया जाता है। बीइंग ह्यूमंस और से बीइंग लिविंग बीइंग्स, क्या हमारे एथिक्स हमारे एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्यों किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं माना जाता, एटसेट्रा एंड क्वेश्चंस लाइक दैट। बेसिकली, व्हाई आर वी सजेस्टेड टू कीप अवरसेल्व्स इन चेक व्हेन इट कम्स टू बी इट डीलिंग विद अवर इमोशंस और पीपल। लेट अस डिस्कस दीज इश्यूज टूडे थ्रू अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, अ परस्पेक्टिव विच हेल्प्स अस टू गो बियॉन्ड and analyze the journey of our evolution in a more effective way. At the same time, we will see how evolution and devolution are the parallel journeys according to our Indian philosophies. So, let's start. अगर मैं आपको two set of things दूँ, उनमें से एक चुनने को दूँ, तो मैं already जानती हूँ कि आप क्या चुनेंगे, and for that matter, even मैं क्या चुनूँगी। मैं आपको two sets of pairs दे रही हूँ बहुत सारे, खुशबू या बदबू, अच्छाई या बुराई, अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन, सुंदरता या बदसूरती, अक्लमंदी या मूर्खता, किसी को सुख देना या चोट पहुंचाना, एंड काउंटलेस पेयर्स लाइक दीज। वी ऑल नो दैट वी विल चूज द फर्स्ट वन फ्रॉम ईच पेयर। कैन यू आंसर व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट एडजेक्टिव फ्रॉम ईच पेयर टेक्स अस टूवर्ड्स एवोल्यूशन, एंड ऑब्वियसली द सेकेंड वन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल रियलिटी दैट इनएविटेबली वी चूज टू इवॉल्व, क्योंकि सम हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑन अवर ओन। जस्ट लाइक नॉलेज एंड परसेप्शन, टू इवॉल्व इज द इननेट नेचर ऑफ द सोल। एज कॉन्शियसनेस और द सोल ऑलवेज चूजेस टू ट्रेवल अपवर्ड्स टूवर्ड्स द वर्टिकल डायमेंशन। हाउएवर, एज वी कैन सी इन दीज पेयर्स दैट द सेकेंड एडजेक्टिव्स बिलोंग टू डेवोल्यूशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुणों को, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, डिस्क्राइब करने वाली दोनों सिचुएशंस एकदम साथ साथ चलती हैं, इतनी नज़दीक कि एक को दूसरे में बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हैव यू एवर थॉट लाइक दैट? वेल, आई हैव। एक पल हमारे भाव बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वे बुरे हो जाते हैं। बेशक हम सभी जीवन में तरक्की चाहते हैं, चाहे वह प्रोफेशनल हो या फाइनेंशियल, लेकिन उसे पाने की चाह में अक्सर हम अपने मॉरल्स को या अपने अंदर की उस आवाज़ को दबा देते हैं जो हमें लगातार चेतावनी देती है कि एथिक्स को ऊपर रखो। इसलिए बाहर से चाहे हम सक्सेसफुल दिखते रहें, लेकिन अंदर से तो पक्का हम डीग्रेड या कहें डिवॉल्व होते ही हैं। मूवीज में जो दिखाते हैं ना कि एक बंदे के अंदर से हर डायलेमा में एक डिवाइन और एक डेविलिश आवाज आती है, उन आवाजों में से अच्छी वाली हमारी कॉन्शियसनेस की और बुरी वाली हमारे माइंड की होती है, जो सोसाइटल कंडीशनिंग से बुरी तरह इन्फ्लुएंस्ड होता है। Needless to clarify which one belongs to evolution and which one to devolution. Basically, to evolve is our real nature. However, we may choose to devolve. Sometimes it is because of the uncontrollable circumstances around us, and at the other, we choose it through our free will. Keeping this in mind, look around. Observe people and analyze that at a collective level, people are moving into which direction. Peek within to find out that at an individual level, you are moving towards which path. Whenever I watch a movie or a web series, I try to be analytical and notice which character is choosing to be ethical even in the most adverse circumstances, and which character surrenders easily and in turn choose to devolve. For example, imagine a manipulative character from any Indian household or any Saas Bahu drama. Notice what kind of causes those characters are creating for themselves, effects of which will be devolving in future. जब एक टेररिस्ट खुद पर बम लगाकर अपने साथ साथ कई लोगों की जानें ले लेता है, तब वह इवॉल्व होता है या डिवॉल्व? जब हम अपना ध्यान नेगेटिव इमोशंस या सिमिलर थॉट्स में लगा रहे होते हैं, तब हम डिवॉल्व होते हैं या इवॉल्व? इट इज़ फॉर यू टू एनालाइज। साइंस डजंट टॉक अबाउट एथिक्स एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज, साइंस इज एट अ बिगिनिंग स्टेज, हेंस इट डजंट टेक डेवोल्यूशन इन द सिनेरियो। अपनी रिसर्च के दौरान मैंने जाना कि अब तक तो बहुत से साइंटिस्ट्स सोल के बारे में जानने या उसके बारे में रिसर्च से भी बचते रहे हैं, बट थैंकफुली इन 20th सेंचुरी कॉन्शियसनेस स्टडीज आर फ्लरिशिंग। बट आवर एंशियंट टेक्स्ट ऑलवेज
टेक एवोल्यूशन एज वेल एज रेवोल्यूशन इन द सिनेरियो। अगर हम इन्फीरियर स्पीशीज से इवॉल्व होकर मनुष्य बने हैं तो हमारी एथिकल चॉइसेस ने उसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। दैट इज वाई एथिक्स प्ले हाईली इंपॉर्टेंट रोल इन अ बींग्स एवोल्यूशन। बट एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस अबाउट दिस जर्नी इज दैट कि अगर हम एथिकल होना नहीं चुनते तो हम डिग्रेड होकर उस एवोल्यूशनरी साइकिल में वापस नीचे भी गिर सकते हैं। वेल, लेट्स नॉट डाइव डीपर इनटू फिलॉसफी नाउ। अभी के लिए हम इतना ही समझ सकते हैं कि हर दिन हमें इवॉल्व होना चुनना है। बेशक जीवन में संघर्ष आएंगे, जो हर तरह से हमारी परीक्षा लेंगे, बीच बीच में हमें डेवोल्यूशन के रास्ते पर भी ले जाते रहेंगे, लेकिन हमें फोकस रखना है अपनी ओवरऑल थॉट प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करने पर, अपने अंदर की आवाज़ पर जो हमें हमेशा नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं दिखाती तो भी जानिए और मानिए थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस एक्चुअली कि यही वास्तविकता है कि हम हिंसा के लिए नहीं बल्कि अहिंसा के लिए बने हैं। और अपना यह नेचर हमें ऐसे ही वरदान में नहीं मिला है कि कोई चमत्कार हुआ और मिल गया, बल्कि ड्यूरिंग अवर एक्सट्रीमली लॉन्ग जर्नी ऑफ एवोल्यूशन वी हैव अर्नड इट। We have polished ourselves in the direction of our real nature, which is divine and unconditionally wants the same divinity for each living being. Also, at the same time, we must know that yes, it is possible to choose evolution for ourselves even in the scenario of collective devolution, just like there is a possibility to choose individual devolution in collective evolution around. Hope this podcast has provided you some food for thought. Have a great week ahead. Take care and goodbye.